एलियंस क्या है, वो सच है या झूठ, वो कैसा है, वो दोस्त है या दुश्मन, सवाल कई हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। फिर भी ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसका हल तलाश करने में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हैं लेकिन अभी तक हाथ खाली है। दोस्तों, हम आपको एलियन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो वाकई आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अक्सर फिल्मों में या कॉमिक्स की किताबों में दूसरे ग्रह से आए प्राणी देखते होंगे जिन्हें एलियंस कहा जाता है। ऐसे प्राणी जो देखने में ना तो पशु लगते हैं और ना ही इंसान, लेकिन उनके हाव भाव बिल्कुल एक मनुष्य की तरह होते हैं। दोस्तों, एलियंस की कहानी कोई कल्पना नहीं है। वैज्ञानिक पहले ही यह स्वीकार चुके हैं कि जिस तरह पृथ्वी पर इंसान बसते हैं, ठीक उसी तरह दूसरे ग्रहों पर भी ऐसे लोग रहते हैं जो हमारी तरह सांस लेते हैं। इसके अलावा UFO यानी उड़न तस्त्रियों पर एलियन का आने जाने जैसा विषय भी अब तक जिज्ञासा का केंद्र बन चुका है। अभी तक काफी लोग यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने आसमान में इन्हें उड़ते और एलियंस को देखा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक एलियंस के मुद्दे पर अलग अलग राय रखते हैं। जहां एक और कुछ वैज्ञानिक उन्हें तलाश करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा करना गलत होगा और पृथ्वी व इंसान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन विभिन्न तरह के साक्ष्य जो संकेत देते हैं कि हो सकता है कि एलियंस होते हैं और वो आज भी धरती पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर ऐसे कई निशान और सुराग मिले हैं जो ना सिर्फ बहुत पुराने हैं बल्कि वो इतने सटीक हैं कि उस काल में रह रहे लोगों ने उन्हें बनाया होगा। अगर हम इस विषय पर काम करने वाले विशेषज्ञों की बात माने तो एलियन के होने ना होने की पूरी कहानी इस सोच पर केंद्रित है कि सदियों पहले कई और ग्रहों पर भी एलियन यानी के परलोकी जीवों का वास था। हिस्ट्री TV पर प्रस्तुत होने वाले एंशियंट एलियन नाम के शो में बताया गया है कि एलियंस होते हैं। History.com के मुताबिक दूसरे ग्रहों के ये प्राणी हमसे कहीं ज्यादा ज्ञानी हैं और उन्हें विज्ञान की हमसे कई अच्छी समझ है। वो ये भी कहते हैं कि एलियनों के पास ऐसे उपकरण और साधन हैं कि वो धरती पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस उपकरण को अक्सर अज्ञात उड़न तस्त्री यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। चपटे गोले के आकार में दिखने वाले इन विमानों के बारे में आज भी कई जगह लोग दावा करते हैं कि उन्होंने UFO को देखा है। इसके अलावा लोगों के दावे भी हैरान कर देने वाले रहे हैं। बड़ी आंखें, बड़ा सा सिर, छोटा कद, अजीबो गरीब आवाज और रहस्यमयी शक्तियां आदि। माना जाता है कि एलियंस और पृथ्वी का पुराना नाता रहा है। वे हमेशा से यहाँ आते रहे हैं और यहाँ के लोगों से संपर्क रखते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र, माया सभ्यता, पेरू और चीन की प्राचीन सभ्यता के लोग एलियंस के बारे में जानते थे। एंशियंट एलियन के मुताबिक दुनिया भर में कई जगहों पर एलियन अपने निशान छोड़ गए हैं और आने वाले वक्त में जब भी वो आएंगे तो उन्हीं स्थानों पर लौटेंगे। फिलहाल तो उड़न तस्त्रियों द्वारा पृथ्वी पर आने वाले मेहमान जिन्हें हम एलियन कहते हैं का मामला अत्यधिक रहस्यमयी है। वैज्ञानिक इस रहस्य को समाप्त करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। उनका अनुमान है कि आगामी 10-15 वर्षों तक दूसरे ग्रह के इन्हीं प्राणियों से संपर्क साधकर इनसे जुड़े तमाम रहस्यों को सुलझा लिया जाएगा। अब हम आपको दुनिया की 5 सच्ची UFO घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, रोजवेल न्यू मैक्सिको UFO इंसिडेंट 1947। ईयर 1947 में रेंचर मैकब्रेजल ने रोजवेल के उत्तर में अजीब दुर्घटना मामले को पाया और एक स्थानीय रेडियो स्टेशन को अपनी खोज की सूचना दी। इसके तुरंत बाद सेना ने मलबे को इकट्ठा किया और एक बयान जारी किया कि उन्होंने एक गोलाकार वस्तु को बरामद किया है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को बदल दिया था और कहा वो तो एक मौसम का गुब्बारा था। हालांकि एक्सपर्ट जानकारों का मानना है कि वो डिवाइस वास्तव में एक UFO था और सरकार ने इस सच्चाई को छुपा दिया था। इस घटना के बारे में कई किताबें भी लिखी गई हैं। नंबर 2,
रेनलेस फॉरेस्ट इंसिडेंट 1980। ईयर 1980 में इंग्लैंड में रेनलेस जंगल के पास कई अजीब रोशनी दिखाई दी। इसकी जांच के लिए सैन्य पुलिस भेजी गई। वहां सैन्य पुलिस के अनुसार उन्होंने जमीन पर एक यूएफओ जैसी वस्तु को देखा। एक अधिकारी इसे छूने के लिए आगे बढ़ा तो वो यूएफओ कथित रूप से जंगल से दूर चली गई। इस घटना की सच्चाई पर आज भी बहस होती है, जिसके बारे में जोर देकर कहा जाता है कि यह सब एक धोखा था। नंबर 3, अरोरा टेक्सास यूएफओ क्रैश 1897। टेक्सास के अरोरा के छोटे ग्रामीण शहर में एक यूएफओ की दुर्घटना बताई गई है। डॉलस मॉर्निंग न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है, एक एलियन का मृत शरीर मलबे में मिला था और बाद में एक स्थानीय कब्रिस्तान में दफनाया गया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये एक कहानी है जो एक अरोरा निवासी द्वारा व्यक्त की गई थी, जिसे उम्मीद थी कि इससे शहर में दिलचस्पी बढ़ेगी। आज भी उस कब्रिस्तान के बाहर एक ऐतिहासिक मार्कर पाया जा सकता है, जहां एलियन को कथित तौर पर दफनाया गया है। नंबर 4, द लब्बा क्लाइड्स 1951। ईयर 1951 में एक रात एक प्रोफेसर ने टेक्सास में रोशनी का एक अजीब समूह देखा। देखते ही उन्होंने वायुसेना के अधिकारियों को सूचना दी और स्थानीय वायुसेना ने इस बात से इनकार किया कि उस वक्त उनका कोई भी विमान उड़ान भर रहा है। वहां के एक 18 वर्षीय लड़के कॉल हार्ट जूनियर ने तेजी से बढ़ने वाली उन 5 वस्तुओं की तस्वीरें ली, जिन्हें लब्बॉक लाइट्स के रूप में जाना जाता है। नंबर 5, द फोनिक्स लाइट्स 1997। ईयर 1997 में एक विशाल गोलाकार वस्तु कथित रूप से फिनिक्स शहर के आसपास के क्षेत्रों में देखी जाती है। कई तस्वीरें और वीडियो ली जाती हैं, जो यूएफओ के इतिहास में सबसे अच्छे सबूत माने जाते हैं। अपनी आंखों द्वारा देखे गए धीमी गति से चलने वाले यूएफओ के एक त्रिकोण के आकार का वर्णन करते हैं। तो ये थे कुछ एलियन से जुड़े हुए फैक्ट्स। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो लाइक करना और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखना और वीडियो शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।